दोस्तों, स्वागत है आपका रुआन की मामा के चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पोटल पोस्तो की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं पोटल यानी परवल। इनको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद मैं इसको इस तरीके से पील कर लूंगी यानी छील लूंगी। और इसके बाद इसको हमें किस तरीके से कट करना है वो देखिए आप। तो यहाँ पर इस तरीके से इनको पील करने के बाद मैं इसमें चाकू की हेल्प से बीच में से एक कट लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कट लगाया है मैंने। इस तरीके से बीच बीच में हमें कट लगाना है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरीके से अंदर तक जा पाए। तो सभी पोटल को हमने इस तरीके से कट कर लिया है। तो आपको मैं एक तरीका दिखा देती हूँ। इस तरीके से दोनों साइड से हमें इसे साफ कर लेना है और इस तरीके से कट लगाना है हर जगह पर। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। हल्दी, नमक और हल्का सा तेल ऐड करके इनको मैरिनेट कर लेंगे और मैरिनेट करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने पॉपी सीड्स यानी पोस्तो। इसका एक पाउडर बना के रखा था और गर्म पानी में इसको मैंने डिप करके रखा है कुछ टाइम के लिए। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे जो पोटल हैं वो फ्राई हो चुके हैं। मस्टर्ड ऑयल में मैंने इन्हें फ्राई किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्राई कर रही हूँ मैं इन्हें। और यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च फ्राई करेंगे। तो तेल में प्याज और हरी मिर्च को मैं फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड करूंगी यहाँ पर टमाटर और अदरक। तो अदरक ग्रेट करके रखा था। और जैसे ही यहाँ पर ये सब फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और पानी ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है काश्मीरी मिर्च हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून टर्मरिक और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इन्हें से 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम। चेक करेंगे हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से पक जाना चाहिए। तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब यहां पर मैं ऐड कर रही हूं पोटल और साथ में ऐड कर दूंगी मैं इसमें जो पोस्तो हमने भिगा कर रखा था वो। और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड करूंगी क्योंकि स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट अच्छा लगता है इसमें। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। फिर इसे कवर करके पकाया है 3 से 4 मिनट के लिए। चेक कर लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पोटल पोस्तो है ये बनकर रेडी हो चुका है। तेल छोड़ दिया है साइड से और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पर ये बनकर रेडी है तो हम इसे बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पोटल पोस्तो बनकर रेडी हो चुका है। और इसे आप गरम गरम राइस के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।